नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। आज आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक रिक्शा का सारा पार्ट्स जो अलग अलग करके रखे हैं, इसको कैसे भेजा जाता है ट्रांसपोर्ट से, कुरियर से, तो वही आप लोगों को आज दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, और अगर कोई दोस्त मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, और लास्ट तक देखिए मेरे चैनल को। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह का इलेक्ट्रिक का रिक्शा पार्ट्स पैकिंग होता है और किस तरह खोल के जाता है, ये आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक रिक्शा का सारा पार्ट्स यहाँ पे खोल के रखे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देखे होंगे जो इलेक्ट्रिक रिक्शा, उसका वीडियो देखे होंगे। लेकिन जब इसको कहीं भेजा जाता है, कोई मंगाता है कलकत्ता से बाहर, तो उसको इस तरह से खोल के हर एक पार्ट्स को बढ़िया से सील पैक करके भेजा जाता है, क्योंकि ये इंस्टॉल होकर नहीं जा सकता है, इसलिए अलग अलग करके ही इसको भेजा जाता है। चेचिस अलग हो जाता है, एक्सेल अलग हो जाता है, और इस तरह का चक्का अलग हो जाता है, इसकी स्प्रिंग अलग हो जाता है, हर चीज़ को अलग से भेजा जाता है ताकि जाने में कोई दिक्कत ना हो और कोई भी सामान मतलब छूटे ना बढ़िया से। ये सीट देख रहे हैं, स्प्रिंग वाला सीट, गतकी में जो चल मतलब कुछ इसमें जर्किंग नहीं हो जाता, इसलिए स्प्रिंग वाला सीट लगाया जाता है। काफ़ी मजबूत सीट इसमें है, और ये हैंडल है, और तीन चक्का देखिए इस तरह से खोल के रखा गया है। ये चेसिस के साथ जो लकड़ी के बॉडी में लगता है वो वाला रॉड है, और तीनों चक्का इस तरह से इंस्टॉल होके जाता है। पहले तो इंस्टॉल होता है मतलब सेटिंग होता है, फिर इसको खोल दिया जाता है ताकि जब भी मतलब जहाँ जाए वहाँ पे उनको सेटिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, सारा चीज़ सेटिंग करके भेजा जाता है। ये पैडल है, यहाँ देखिए सॉकेट रखा गया है, ब्रेक पुली रखा गया है, फ्री व्हील रखा गया है। तो इसी तरह से हर एक पार्ट्स को अलग अलग करके इसको बढ़िया से पैकिंग करके भेजा जाता है एक्सेल के साथ। चूँकि दूर का रास्ता है इसलिए मतलब सेटिंग करके नहीं भेज सकते हैं, उसमें ज़्यादा जगह लगता है, उसमें भेजने के लिए तो ज़्यादा पैसा लग जाता है, इसके लिए उसमें दिक्कत आता है, तो इसको खोल के ही भेजा जाता है। एक बार इंस्टॉल करते हैं फिर उसको जो है खोल के भेजा जाता है। तो इसी तरह के कोई भी इलेक्ट्रिक का पार्ट्स, आप लोगों का कोई भी इलेक्ट्रिक का पार्ट्स छोटा से लेके बड़ा कुछ भी चाहिए होगा तो आप लोग मंगवा सकते हैं। वीडियो में नंबर है, नंबर दे देंगे वहाँ पे, आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो के नंबर शो कर रहा है, तो वहाँ पे जा कॉल करके आप लोग मंगवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से पहले इंस्टॉल होता है, ये सारा सिस्टम इस तरह से लगा के सेटिंग कर लिया जाता है, फिर इसको जो है अलग अलग खोल दिया जाता है। उसके बाद बैटरी का बॉक्स बनता है, मोटर स्टैंड बनता है, जैसे जो मंगाता है उसी हिसाब से उसको भेजा जाता है। ये वाला फ्रेम देखिए काफ़ी मजबूत है, और आगे का जो फॉर्क, जो कैची, बहुत जगह कैची बोलते हैं, जो चक्का खड़ा हुआ है ये वाला फॉर्क, ये काफ़ी मजबूत है, इसलिए थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा लोड कैपेसिटी इसके अंदर है, 5 क्विंटल 6 क्विंटल लोड कैपेसिटी ये मतलब है, इसमें आराम से कैरी करता है, 30-35 की स्पीड में चलता है, तो काफ़ी अच्छा है, ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, और बहुत सारे इसमें आप काम में इसको लगा सकते हैं, सब्ज़ी से बेचने को लेके आइसक्रीम बेचने का काम कर सकते हैं, फास्ट फूड का काम कर सकते हैं इसमें। तब लोगों को देख के अंदाज़ा लग रहा होगा कितना मजबूत ये बनाया गया है। तो इस तरह का सामान आप लोगों को चाहिए होगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, वहाँ पे जाके कॉल करके हमके मंगवा सकते हैं। इंडिया के किसी भी कोने में होंगे तो आप लोगों को कुरियर के जरिए या फिर ट्रांसपोर्ट के जरिए भेज दिया जाएगा। ये सॉकेट देखिए, इस तरह का सॉकेट से हब में लगता है, नट के साथ इसको एक्सेल में फिट किया जाता है। राइट वाला जो चक्का होता है उसमें बेयरिंग लगता है, और लेफ्ट वाला लॉक होता है जैसे कि हर गाड़ी में होता है। और दूसरा एक गाड़ी दिखा रहा है जो मोटरसाइकिल के चक्का से बना हुआ है तीनों, ये देखिए, ये
रिक्शा का हब है लेकिन इसमें मोटरसाइकिल का रिंग टायर लगा हुआ है। यह देखिए कितना मजबूती से इसको लगाया गया है और करीब करीब 6 mm का ये स्पोक जो होता है तिल्ली, तो ये 6 mm का होता है, काफ़ी मजबूत होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोड कैरी कर सके। इसलिए सुप्रीम का इसमें टायर लगा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मोटा टायर है और ये जब बन के रेडी होगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आगे वाला चक्का भी मोटरसाइकिल का लगाया गया है, हैंडल भी मोटरसाइकिल का है और इसमें शॉकर भी लगा हुआ है ताकि जर्किंग आप लोगों को थोड़ा सा भी ना बुझाए। और इसमें आगे वाले में थ्रोटल लगा है राइट साइड में और लेफ्ट हैंड में रिवर्स फॉरवर्ड का लगता है और 3-speed मोड जो होता है वो लगता है। इस मोटर किट में 3-speed मोड रहता है और रिवर्स फॉरवर्ड सब रहता है। इस तरह का सामान जो है भेजा जाता है, तो आप लोगों को किसी भाई को अगर ये चाहिए और इसका कोई भी सामान भी चाहिए होगा छोटा से लेके बड़ा, तो आप लोगों को मिलेगा, कुरियर से भेजा जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, वहाँ पर जाके नंबर लेके नंबर निकाल के आप लोग कॉल कर सकते हैं। ये देखिए चेसिस का जॉइंट है, ये इस तरह जॉइंट किया जाता है और पैडल सिस्टम भी रहता है और मोटर सिस्टम दोनों रहता है और डबल ब्रेक पुली इसमें लगा हुआ है, किसी किसी में सिंगल लगता है। और उसी को इस तरह से खोल के जो है अलग अलग पार्ट्स को भेजा जाता है। बढ़िया से सील पैक करके भेजा जाता है ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो सेटिंग करने में। मोटर किट से लेके साइकिल किट, रिक्शा किट, मोटरसाइकिल किट, सारा चीज़ मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पे। तो जिनको जो चाहिए वो उसी हिसाब से कॉल करें, मंगाएं। और ये देखिए बेयरिंग लगा है दोनों चक्का में, जो बेयरिंग लगता है ब्लॉक के अंदर, तो बेयरिंग वाला ब्लॉक भी है यहाँ पे लोहा का। सारा सिस्टम इसमें दिया जाता है और बड़ी अच्छे से इसको पैक करके भेजा जाता है ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह के नए नए वीडियो को देखने के लिए मिलन टेक्निकल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का जो बटन है बेल आइकन का उसको ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे, इसलिए घंटी का बटन जो है प्रेस कर लीजिए। तब लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए आइडियाज़ को लेके नया चीज़ बना के आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो पूरा देखते रहिए।